डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम अब तक के सेशंस में हमने चार्ट ऑफ अकाउंट और उसमें बनने वाले अकाउंट्स के बारे में पढ़ा है सबसे अहम चीज़ इसमें यह थी कि जो अकाउंट्स डिफॉल्ट में क्विक बुक्स समय देता है हम उन्हें चेंज भी कर सकते हैं उसमें इजाफ़ा भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं और जैसे कि आपने पिछले सेशन में देखा कि हमने नया अकाउंट क्रिएट किया बाज़ अकाउंट को हमने मर्ज किया और ऐसे अकाउंट जिसमें कोई ट्रांजेक्शन्स ना हुई हों उनको हमने डिलीट किया और ट्रांजेक्शन्स वाले अकाउंट को हमने इनएक्टिवेट कर दिया आज का टॉपिक है सब अकाउंट्स सब अकाउंट्स क्या होते हैं यकीन अकाउंट्स में एक निचले लेवल पे अकाउंट खोला जा सकता है जिसे हम कहते हैं सब अकाउंट इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है पेरेंट अकाउंट की क्या ज़रूरत है आइए आज के सेशन में हम इसके ऊपर रोशनी डालते हैं और देखते हैं कि हम क्विक बुक्स में ये काम किस तरीके से कर सकते हैं याद रहे कि हमारा मेन अकाउंट हमेशा वो अकाउंट होगा पेरेंट अकाउंट जिसमें तमाम सब अकाउंट्स की टोटल ऐड अप होके सम होके आया करेंगे लेकिन फॉर क्लियरिटी एंड डिटेल वाट वी नीड sometimes are accounts which are connected to their parents. let's take an example from the chart of accounts available in quickbooks. okay, now let's have a look at our chart of accounts. as you can see, those accounts that we created in our last sessions in the income bracket or category are still over here. income from building, construction income, and income from rental equipment. Lekan, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें उन्हें फर्दर ब्रेक डाउन करना पड़ता है ये अकाउंट्स की सबसे आसान मिसाल जो क्विक बुक्स में पहले ही से मौजूद है क्विक बुक्स जब भी आप इंस्टॉल करेंगे और डिफॉल्ट कंपनी देंगे तो आपका पेरेंट अकाउंट है इन दिस केस सिक्स डबल थ्री डबल जीरो दैट इज इंश्योरेंस एक्सपेंस इंश्योरेंस एक्सपेंस एक ब्रॉड हेड है और इसके अंडर आप चाहें तो इसके साथ साथ भी खोल सकते थे लेकिन इन दैट केस देर वुड हैव बीन अ नंबर ऑफ इंश्योरेंस एक्सपेंस हेड्स। लॉजिकली ये बाकी तमाम तीन हेड्स शुड कम अंडर द मेन जनरल इंश्योरेंस एक्सपेंस हेड अब ये तीन टाइप्स की इंश्योरेंसेस हैं विच हैव बीन ओपनड अंडर द मेन हेड एंड दीज सब हेड और सब अकाउंट्स आर जनरल लाइबिलिटी इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ एंड डिसबिलिटी इंश्योरेंस देर कैन बी मैनी अदर इंश्योरेंसेज एसोसिएटेड स्पेशली विद्रक्शन कंपनी राइट दैट इज इक्विपमेंट इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस एज वेल लेकिन अगर हम सारे ये एक्सपेंस में खोलते चले जाएँ तो कभी हमें यह पता नहीं चलेगा कि इंश्योरेंस के हेड में हमें कितना प्रीमियम जमा कराना पड़ रहा है सो द बेस्ट बेट इज टू हैव अ सब अकाउंट फॉर ऑल दीज इंश्योरेंस हेड जब भी हम देखना चाहेंगे हमें नज़र भी आ जाएंगे कि हमारे पास इन In इंश्योरेंस में हमने क्या प्रीमियम जमा कराया हुआ है और जब हम कोई भी रिपोर्ट देखना चाहेंगे तो हमारे पास टोटल इंश्योरेंस का एक फिगर नज़र आ जाएगी इसी तरह से इफ़ यू गो डाउन द लाइन यू विल सी अनदर हेड कॉल्ड द यूटिलिटीज हेड सिक्स एट सिक्स डबल ज़ीरो अब सिक्स एट सिक्स डबल जीरो यूटिलिटीज़ क्या चीज़ हैं यूटिलिटीज़ वो चीज़ें हैं जो हम लोग कंस्ट्रक्शन में भी बिल्डिंग में भी ऑफिस में भी मुसलसल इस्तेमाल करते हैं मिसाल के तौर पर बिजली गैस पानी टेलीफोन ये तमाम वो सहूलतें हैं जो हमारे दफ्तरों में और हमारी साइट पर मौजूद होती हैं और इसका हम बिल देते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग दल कम अंडर द हेड यूटिलटीज़ हम चाहें तो इन तमाम के अलग अलग हेड बना लें लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारा सबसे ज़्यादा ख़र्चा यूटेलिटीज़ हेड में इकट्ठा क्या हो रहा है बिजली पानी Gas. So, what we can do is open these accounts under the head utilities. How can we do that? Simply by right-clicking on the utilities account. You can edit an account, or you can go down and then edit the account. In both cases, you will come up with the same account name. Now, what we are going to do is we are going to add. A sub account to this head utilities, it could be, and this is going to be a sub account of the main account that is 68600, and this would be numbered as 68610. Now that we have defined this account name as a sub account of utilities, it should appear under the parent head. Let us see. Now you can see that a, a sub account has been created under the head utilities. Utility was numbered 68600 and electricity is now numbered 68610. Or ye appear kaise hota? This appears indented under the parent head. Similarly, we can add other new accounts. Like gas, which is going to be a sub account of, you only have to write UL utilities will appear 68620, save and close, and a final one related to water expense, sub account of.

एक टाइप की एक्सपेंस हेड्स उसके सब अकाउंट में आ जाए जो कि एक डिटेल वैल्यूज और डिटेल ट्रांजेक्शन आपको शो करेगा जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं हम रिपोर्टिंग अपर लेवल पे करते हैं कि आपकी मेन रिपोर्ट्स जो बनेंगी वो उसमें एक ही वैल्यू यूटिलाइज की आएगी लेकिन जब भी कोई डिटेल देखना चाहेगा तो उसके पास उसकी तमाम डिटेल्स मौजूद होंगी जिस तरह से हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस के अंडर ये तीन हेड्स दिखाए थे इसी तरह हमने यूटिलिटीज़ के अंदर ये तीन हेड्स क्लियरली दिखाए हैं इससे क्या होता है इससे आपकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा सही ज़्यादा डिटेल्ड और कंसाइज समराइज फॉर्म में हर वक्त आपको मैसर आती है ये तमाम प्रोविज़न ऑटोमेटिकली क्विक बुक्स आपको देता है ताकि आप अपने अकाउंट्स को जितना डिटेल्ड चाहें रख सकते हैं in the next session we are going to see how we coordinate all these chart of accounts with our main business and how do we handle these chart of accounts automatically how we let the quickbooks handle all these chart of accounts and formulas by itself when we go into our customers sales vendors and inventory systems thank you so much that's all for today